अगेंस्ट द फिल्म इंडस्ट्री। नशे की दवाइयां हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके एडिक्शन करवा दी। इट्स अ शेम, जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, गलत बात है। समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने कहा है कि ड्रग्स से बॉलीवुड को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। सपा सांसद ने मंगलवार को राज्यसभा में ये बयान दिया। उन्होंने बिना नाम लिए बीजेपी के सांसद रवि किशन पर भी निशाना साधा। जया बच्चन ने कहा कि कल लोकसभा में एक सांसद ने बॉलीवुड को लेकर बयान दिया, वो बॉलीवुड इंडस्ट्री से ही है, ये शेम है। जया बच्चन ने कहा कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, ये गलत बात है। Sir, people who have made their name in this film industry have called it a gutter. I completely disagree and I really disassociate and I hope the government tells these people who have made their earning, name and fame in this industry to stop using such language. There are people in the entertainment industry who are some of the highest taxpayers. I was really embarrassed and ashamed that yesterday one of our members in the Lok Sabha spoke, who is from the industry, against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. Jis thali mein khate hain, usme chhed karte hain. Galat baat hai. I need the protection. The industry needs the protection and support of the government. Thank you. हालांकि जया बच्चन की तंज का जवाब रवि किशन ने भी दिया है। रवि किशन ने कहा कि मुझे उम्मीद थी कि जया बच्चन मेरा सपोर्ट करेंगी। रवि किशन ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में हर कोई ड्रग एडिक्ट नहीं है, लेकिन हम इस बात को इनकार नहीं कर सकते कि वहां पर ड्रग कार्टेल काम कर रहा है। रवि किशन ने कहा कि इस ड्रग कार्टेल की रीढ़ तोड़ना जरूरी है। जया बच्चन के बयान पर रवि किशन बोले कि शायद उन्होंने मेरा बयान ध्यान से नहीं सुना। हमें अपनी इंडस्ट्री और युवाओं को बचाना है। मुझे उम्मीद थी कि एक वरिष्ठ होने के नाते वो इस बात को समझेंगी, लेकिन जो भी बात कही गई हो, मैं इस मसले पर अपनी लड़ाई जारी रखूंगा। आज मैं सदन का ध्यान अपने देश के एक बहुत बड़ी समस्या की तरफ दिलाना चाहता हूं। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग एडिक्शन की समस्या बढ़ती जा रही है। हानिकारक दवाओं के सेवन के माध्यम से देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की साजिश रची जा रही है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस साजिश में हमारे पड़ोसी मुल्कों का हाथ है। प्रतिवर्ष चीन और पाकिस्तान के रास्ते देश में भारी मात्रा में नशे की दवाइयों की तस्करी होती है, मंगाई जाती है, पंजाब के रास्ते, नेपाल के रास्ते, और नशे की दवाइयां हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके एडिक्शन करवा दी। अरे सुनो यार, हमारी वो एडिक्शन आज हमारी सरकार ने कई लोगों को पकड़ा है, पकड़े जा रहे हैं। एनसीबी इज डूइंग वेरी गुड वर्क, बट महोदय दुख की बात है कि इस प्रकार की गतिविधियां हमारी इंडस्ट्री के द्वारा भी, जहां पे एक स्टारों को देखा जाता है, उनको रोल मॉडल माना जाता है, तो मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं, अपनी सरकार से, जो हिसाब से आज हम लोग एकदम इनको चारों तरफ पकड़ रहे हैं, तो ये सख्त कार्रवाई की जाए, दोषियों को जल्द पकड़ा जाए, उन्हें उचित सजा दी जाए, तथा पड़ोसी देशों की जो साजिश है युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की, उस पर रोक लगाई जाए। महोदय, ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।